उसी तरीके से जो आपने अपने दाएं हाथ से किया, अब आप अपने बाएं हाथ से करें। अपना दायां हाथ पीछे इस तरीके से लेकर जाए, बाएं हाथ को ऊपर से लेकर आए और दोनों को इंटरलॉक करें कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू, यू कैन डू इट एनीवेयर एनी टाइम। इस तरीके से जब आप अपने हाथों को इंटरलॉक करके रखेंगे तो अपने आप आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी, आपकी लंग्स की कैपेसिटी और इसके साथ साथ आपकी हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अब बात आती है आयुर्वेदिक उपायों की। आयुर्वेद में कहा यह जाता है कि अर्जुन की छाल और दालचीनी, ये दो चीज़ें आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए महा औषधि है। आपके दिल की सेहत के लिए ये चमत्कार के तौर पर काम करती है। आप में से हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो बहुत महंगी महंगी और बहुत हैवी डोसेज ऑफ मेडिसिंस ले रहे होंगे जिससे कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो थोड़ा सा बैलेंस बना रहे। लेकिन अर्जुन की छाल और दालचीनी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो, दालचीनी तो आपको आपके किचन में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है और अर्जुन की छाल भी आप मार्केट में जाएंगे बहुत ईजिली अवेलेबल है। आप इन दोनों को मिलाकर एक पाउडर तैयार कर लें, और अगर आप पाउडर तैयार नहीं करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को बराबर क्वांटिटी में 1 लीटर पानी में डालकर उबालें, और जब ये खूब अच्छे से उबल जाए, इसका एक काढ़ा तैयार हो जाए, काढ़ा कहते हैं आपको, आप कह सकते हैं, ये तैयार हो जाए तो बस इसे गुनगुना चाय की तरह सिप सिप करके पिए, कुछ इतना कप, एक कप। एक कप अगर आप रोज़ाना लेंगे तो आपके दिल के लिए ये चमत्कार के तौर पर काम करेगा। बहुत सारी दवाइयाँ आपने खाकर देख ली है, दवाइयों को छोड़ने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगी, वो तो आप डॉक्टर्स के परामर्श के साथ ही करिएगा, लेकिन हाँ इतनी सलाह ज़रूर दूंगी कि अर्जुन की छाल और दालचीनी के कॉम्बिनेशन के साथ आप अपनी दिल की सेहत सुधार सकते हैं। अब आखिरी बात जो आपको करनी चाहिए और हर दिन करनी चाहिए वो है चलना, वॉक करना। हम क्या करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, फटाफट लिफ्ट का बटन दबाया, अगर हमें 4th फ्लोर तक भी जाना है तो हम सोचते हैं कि कौन 4th मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़े और फटाफट लिफ्ट में एंटर कर लेते हैं। बल्कि हमें करना ये चाहिए कि अगर आप 1ली 2री या 3री मंजिल और मैक्सिमम 4th फ्लोर तक अगर आपकी चढ़ने की कैपेसिटी है तो लिफ्ट का सहारा ना लें। हम, मैं जैसे 18th फ्लोर पर रहती हूँ तो वहाँ तक तो पैदल चल के जाना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैं रोज़ाना अपनी दिनचर्या में वॉकिंग को ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। अब वॉक करना तो मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक मध्यम गति में आप रोज़ाना अपने लिए समय निकालें। कोशिश करें जिस वक्त आप ऑफिस में भी हों चलते रहें, फिरते रहें, जितनी देर आपका काम है, बहुत देर से अगर आप बैठे हुए हैं तो उठें और फिर कम से कम 5 मिनट के एक वॉक लेकर ज़रूर आएँ। जो समय आप सिगरेट का कश फूकने में बिताते हैं उतनी देर में आप थोड़ा सा चल कर आएँ, आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत है। और अगर आप इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ये तो बेस्ट है, साइकिलिंग आप कर सकते हैं। तो आज दिल की सेहत के लिए बस इतना ही। अगर कुछ और आपके मन में सवाल हैं तो आप इंडिया टीवी की मेल आईडी पर भी अपने सवालों को भेज सकते हैं। हम हर रोज़ आपके लिए कुछ ऐसे ही हेल्थ टिप्स लेकर आते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।